हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो जी हाँ, आज मैं मॉर्निंग में ही सुबह सुबह बाल धो ली हूँ। और पता है, आज मुझे पता भी नहीं था कि बृहस्पत है। और मैंने कल जो है तेल लगाया था, रात में बहुत ज़्यादा तेल लगाए थे, तो हमने कहा चलो धो लेते हैं। तो बस मॉर्निंग में धुल लिए हैं, बाद में देखा तो कि आज बृहस्पत है। मैंने कहा अरे, मैंने कहा चलो भूल चुक माफ़ करते हैं। लेकिन हम बृहस्पत को धोते नहीं हैं, आज धो लिया। और यहाँ पर ये देखिए, मेरे बरामदे में धूप आ रही है, तो बस यहाँ पर चेस्ट में बैठ गई हूँ, क्योंकि धूप ना आजकल अच्छी लगा करती है। और ठंडी ना सुबह शाम अब तो पड़ गई है। और ये देखिए, ये बाहर है, धूप कितनी अच्छी है, खेलने के लिए धूप आ रही है ना। और मेरे हस्बैंड चले गए, अभी टिफ़िन उफिन लेके चले गए हैं। खाना मेरा सारा बन गया है, बस मुझे रोटियां बनानी है। और आज ये रोटी नहीं लेके गए, मैंने आटा सान लिया था, पर ये कह नहीं आज हमारा रोटी नहीं ले जाना। तो हमने बनाया था दाल, सावा का चावल, लौकी की सब्जी, तो दे दिया और आटा लगा के रख दिया। तो जस्ट अब अभी जब हमारे सास ससुर नहाएंगे तब उन्हें रोटी बनाऊँगी। और मैं बाल को सुखा रही हूँ, मैंने कहा थोड़ा सा धूप भी ले लेती हूँ। और मुझे अपनी मम्मी से भी बात करना है। मम्मी की मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी, और उनका प्लेटलेट्स घट गया था। डेंगू तो नहीं था, लेकिन उनको वायरल फीवर था। तो अभी वो खाई हैं, कीवी वगैरह भी खाई, नारियल पानी और बकरी का दूध वगैरह भी पी रही थी, लेकिन फिर भी उनका प्लेटलेट्स उतना ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा नहीं। कल टेंशन में थी, मैंने कहा हाँ टेंशन मत करो, थोड़ा बहुत बढ़ा है, घटा होता थोड़ा टेंशन लेने की बात थी, पर घटा तो नहीं है। तो अभी जा रहे हैं मम्मी से बात करने, और उनको जाना है डॉक्टर के यहाँ। तो अभी देखते हैं कि किसके साथ जाती हैं। थोड़ा पापा नहीं है, थोड़ा टेंशन ले लेते हैं, और हमें लोग बच्चे लोग हैं जो उनको थोड़ा सा समझा देते हैं, है ना। तो चलिए, हमने कहा मॉर्निंग में आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, और थोड़ा सा आपसे बात भी करते हैं। दो दिन हमने अपनी वीडियो कोई शूट नहीं किया था, क्योंकि हमारी जो है फ्रेंड कॉलेज टाइम की थी, तो उसकी डेथ हो गई है। और उसको क्या हुआ था, उनके घर वाले तो बोल रहे हैं कि डेंगू हुआ था, पर अभी कुछ जाऊंगी टाइम निकाल करके। और मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, कॉलेज के टाइम थी की थी, हम लोग 9th इंटर और ग्रेजुएशन साथ में किए थे। मैं उसकी शादी में गई थी, वो मेरी शादी में गई थी। एक दोस्त दोस्त वो होते हैं जो अपने दुख दर्द को बांटते हैं, हमारी तकलीफ़ वो हमारी तकलीफ़ को समझते हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा करता है। तो आज वो तो मुझे छोड़ के चली गई, 2-3 दिन हो गए, बहुत तकलीफ़ हुई। मैं तो उस दिन 2 दिन में बहुत अपसेट थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी आप लोगों तक नहीं डाला था, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार अपने सहेली का चेहरा मेरे आँख में आ रहा था। फिर मेरे हस्बैंड समझाए, क्या करोगी, ये अपने हाथ में नहीं है, कब किसको किस तरह जाना है कोई नहीं जानता है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। अभी आप लोगों से दोपहर में थोड़ी बात करूँगी अपने फ्रेंड के बारे में, बताऊँगी कि हम लोग कैसे कॉलेज टाइम में मौज मस्ती करते थे। बाद में मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा सा धूप ले लूँ यार। और बाल में मुझे मेहंदी लगानी है, हमेशा मेहंदी लगाती हूँ, पर क्या ना बहुत जल्दी छूट जाती है। बाल देखिए मेरे कितने झड़ रहे हैं, देखिए यार, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग बताना क्या लगाऊं बाल में, बहुत झड़ते हैं यार। चलिए ठीक है, रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे देखिए, मेरे साथ साथ जो है एक चिड़िया, आप लोग देख रहे होंगे, ये भी धूप ले रही थी अपने पंखों को फैला करके। तो सही बात है यार, हम इंसान हो चाहे जानवर हो चाहे पक्षी हो, सबको ठंडी लगा करती है। और ये देखिए, मैं दिखा रही थी आपको कि देखिए कितने अच्छे से धूप ले रही थी यार। मैं तो इसी को देख रही थी, बैठी हुई थी, अब मैं उड़ा रही थी तब भी नहीं उड़ रही थी, क्योंकि उसको ठंडी लग रही थी। देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, हमने कहा चलिए आपको भी दिखाते हैं कि चाहे जो भी हो, पशु पक्षी जानवर, सबको यार ठंडी लगती है। जो दर्द हमको होता है उनको भी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे, खुश रहो, घर में स्वस्थ रहो। तो बस हाँ जी हाँ, आज हमने जैसे सबके बताया था कि हमने आज बाल धो लिया था। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैं बाहर बैठ गई हूँ फिर से, यहाँ पर जहाँ थोड़ी बहुत हरी भरी हरियाली है, तो यहाँ पर बैठ जाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो है। और बाहर का कुछ थोड़ा बस व्यू भी देखते रहते हैं। तो ये देखिए, तितली उड़ रही, तितली उड़ रही,
ये देखिए मंडरा रही ना। तो बस यहाँ पर बैठ गए हैं, अभी हमने भी खाना खाया। खाने में बनाया था बाजरा की रोटी, जैसा कि मेरे यहाँ डेली ही बाजरा की रोटी बनती है, और लौकी की सब्जी, सांवा का चावल बनाया था, दाल बनाया था। और बस अभी खाना खा के बस जस्ट बाहर बैठ गए हैं। और यहाँ पर ये देखिए मैंने कंघी ले ली है, क्योंकि बाल धुले थे ना तो अरज रहे थे, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं और अपने बाल भी सुलझा लेते हैं जो है। तो जी हाँ, मैं कुछ आप लोगों से ये बात कर रही थी, चश्मा ऊपर कर लेते हैं यार, तो क्योंकि 2 दिन हमने जो है कोई वीडियो नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि हमारी फ्रेंड की मुझे अचानक से पता चला कि वो हमें छोड़ करके चली गई। और यदि शायद हम फेसबुक में ना जाते ना, फेसबुक में यदि ना जाते तो मुझे पता भी ना चलता कि मतलब वो हमारे बीच में नहीं है। और मैंने फेसबुक में देखा, मेरी मतलब मैं फेसबुक अचानक से खोली और देखिए आज कितना ज़्यादा पता नहीं कैसे सफ़ेद सफ़ेद लगा है। आज मैंने थोड़ा सा पाउडर लगा लिया ना, तो वो रूखा रूखा पूरा एकदम से लग रहा है, पता नहीं कैसे अजीब अजीब सा। तो क्योंकि मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा ड्राई है इस वजह से। तो जी हाँ, मैं फेसबुक में गई और फेसबुक में मैं ऐसे ही अचानक मैं फेसबुक खोलने लगी अपना, और उसमें मैंने अपने फ्रेंड की जो है फ़ोटो देखी। तो मुझे लगा अरे ये क्या है, मेरे कुछ समझ नहीं आया, मुझे काफ़ी मतलब धक्का लगा। मैंने कहा जी कौन सा ये ऐसा कोई भद्दा मजाक किया है, मतलब विश्वास ही नहीं हुआ। उसके बाद मैंने तुरंत, और मेरे हाथ पैर मतलब कांपने लगे, मैंने फिर तुरंत अपने मतलब सहेली के मोबाइल पर फ़ोन लगाया। अब कई बार रिंग गई, कोई उठाया नहीं। फिर 2 नंबर दी थे मुझे कि सीमा कभी अगर इस नंबर पर न लगे तो दूसरे नंबर से फ़ोन लगाना। तो मैंने फिर दूसरे नंबर पर फ़ोन लगाया, तो उस नंबर पर 2-3 बार घंटी गई, पहले तो कोई नहीं उठाया, फिर अचानक से फिर फ़ोन उठाया। तो हमने कहा कि आप कौन बोल रहे हैं, आप छाया के घर से बोल रहे हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, आप कौन हैं? हमने कहा पहले बताइए आप कौन बोल रहे हैं। तो वो बोले कि मैं छाया का घर वाला बोल रहा हूँ। हमने कहा ये बताइए ये फेसबुक में ऐसी कैसी फ़ोटो पड़ी है उसकी? तो वो रोने लगे, कहें वो हम सबको छोड़ के चली गई। यार कुछ बोल नहीं सकते हैं, मुझे मतलब इतना तकलीफ़ हुई कि अरे ये कैसे हो गया। वो भी खूब रोने लगे, मैं भी खूब रोने लगी। मैंने कहा जीजा जी कैसे हुआ? कहे उसको डेंगू हो गया था, और फिर उसको लेके हम हॉस्पिटल में एडमिट कराए। 3-4 दिन एडमिट रही, फिर उसके बाद उसको आराम हो गया तो हम घर पे ले करके आए, और घर पे 4-5 दिन बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद वो अचानक से जो है उसकी तबीयत बिगड़ी और वो ख़त्म हो गई। कहने लगे कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उसे फिर से लेके हॉस्पिटल जा सकूं। सच में ना इतना रोना आया यार। हम मतलब कई हम लोग सहेलियां थे जो साथ में पढ़ते थे, साथ में खेले हैं, साथ में खाए हैं। और उसका जो है मायका इलाहाबाद में था, वो इलाहाबाद में कीटगंज है, वो कीटगंज की रहने वाली थी। और मैं आर के नैंडर कॉलेज में पढ़ती थी, 9th में हम लोग साथ में रहे हैं, साथ में खाए हैं। कभी भी जब हमारा मतलब जैसे कभी कोई एग्ज़ाम वगैरह होता था तो क्लास हमारा हमारा जैसे एक पेपर हो जाए, फिर एक पेपर 2 बजे से हो, तो मैं उसी के घर चली जाती थी, वहीं आराम करती थी, वहीं आंटी खाना देती थी, वहीं लेटते थे। फिर जब 2 बजता था तब हम वहाँ से फिर स्कूल आते थे। मतलब बहुत ही घनिष्ठता थी जिसको कहते हैं ना, हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे हम लोग। हम लोगों का ग्रुप था, 4-5 सहेलियाँ थे हम लोग साथ में, तो हम सहेलियाँ सब लोग बहुत अच्छे थे यार। आप सभी लोग समझ सकते हैं कॉलेज के टाइम का दिन कितना अच्छा होता है, इंजॉय भरा होता है पल। काफ़ी हम लोग बहुत मतलब वो किए थे। फिर हमारा मतलब मायका आप लोग जानते हो नैनी में है इलाहाबाद। फिर एक बार मेरे घर में भी सब लोग आई थी, और मेरी शादी में भी वो आई थी, मैं भी उसकी शादी में गई थी। लेकिन पता नहीं था यार कि अचानक से अभी इतनी सी कम उम्र में वो छोड़ के चली जाएगी। उसके 2 बेटे हैं। वही है कि अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते वो असली जो जिम्मेदारी थी उसी को नहीं निभा पाई और चली गई। भगवान ऐसे दिन कभी किसी को ना दे, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। 2 दिन तो मेरा दिमाग ना बहुत ज़्यादा अपसेट था, बहुत ज़्यादा अपसेट था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल। लेकिन
फिर मेरे हस्बैंड भी समझाए कि जीवन आनी जानी है, क्या करो, कि ये सब कुछ अपने बस में नहीं है, किसको कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता यार। लेकिन ये है कि उस घर की जिम्मेदारियाँ, सबकी जिम्मेदारियाँ निभाते निभाते अपने बच्चों की ही जिम्मेदारी नहीं निभा के गई, उनका कुछ नहीं देख के गई। खैर बच्चे उसके बड़े बड़े हैं, एक बेटा 22 साल का है, एक लड़का भी 20-21 साल का है, बच्चे बड़े बड़े हैं। लेकिन जो एक माँ अपने मन में खुशी के पल संजोती है कि मेरे बच्चे बड़े होंगे, बन जाएंगे, उनकी शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कुछ नहीं देख पाई, वो चली गई। मैं तो 2 दिन उसका चेहरा ही मुझे नहीं, मेरे आँखों में से मतलब हट रहा था, मुझे बार बार उसी का चेहरा याद आ रहा था कि भगवान तू ऐसा क्यों करता। इतने बूढ़े पड़े हैं यार, खटिया में बैठे हैं, हग रहे हैं, मूत रहे हैं, उनको भगवान नहीं ले जा रहा है कि उसको ईश्वर ले जाए, लेकिन जो जवान है ना उसी को लेके जा रहा है, जिसके आगे भी सारी जिम्मेदारी पड़ी है उसको लेके जा रहा है। बहुत तकलीफ होती है यार कभी कभी ऐसा सोच के। और मालूम है कोरोना में भी देख रहे होंगे आप लोग, सभी लोग, जवान ही गया, बूढ़ा कोई नहीं गया, और वैसे ही इस डेंगू में भी यही कहते हैं भगवान वो जहाँ भी हो खुश रहे उसकी आत्मा। और क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। फिर उसका बेटा भी मेरे पास रात में फ़ोन किया था, कहे आंटी, रो रहा था, बोला आंटी आपको जब भी बात करना होगा आंटी इस नंबर पे आप बात कर लेना। क्या करे यार, सब कुछ अपने बस में है, बस यही चीज़ अपने बस में नहीं, किसी को नहीं मालूम है कि हम किस तरह जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, किस वक्त जाएंगे, कुछ नहीं मालूम। और बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सिंपल थी मेरी सहेली, बहुत ही सरल स्वभाव की, बहुत ही कुश मतलब व्यवहार कुशल थी, उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। मेरे पास तो हमेशा हम लोग फ़ोन करते थे रात में 10-10:30 बजे तक फ़ोन करते थे यार, व्हाट्सएप में चैटिंग, मेरे मुँह से तो आवाज़ ही नहीं निकल रही जब उसके बारे में सोचते हैं ना, बहुत तकलीफ होती है यार। लेकिन कोई नहीं, उसके हस्बैंड भी ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे, मैं कैसे जीऊँगा, क्योंकि उसके हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, वही सारी जिम्मेदारी निभाती थी अपने हस्बैंड की, बच्चों की, घर की, सब चीज़ की। कभी कुछ ऐसी बातें भी होती थी जो मुझे बताया करती थी, जब भी दुखित होती थी तो मेरे पास फ़ोन करती थी, मुझसे अपनी अंदरूनी बातें बताया करती थी, बता लेती थी तो कहती थी सीमा मेरा जी हल्का हो गया, हमने कहा यार कोई बात नहीं, समझा देती थी यार कोई बात नहीं छाया। सबके साथ प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा है बिना प्रॉब्लम के नहीं है, सब कोई प्रॉब्लम, सबके यहाँ सबके पास अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। कई बार मेरे पास फ़ोन करके अपने अंदर की बातें बताई, मैंने उसको समझाया भी, पता नहीं क्या हो गया। इत्फाक से दीपावली तक हम लोगों की चैटिंग भी हुई, दीपावली के बाद मैं भी बिज़ी हो गई, वो भी ना हम बात नहीं हो पाई, क्या पता यार छोड़ के चली जाएगी, नहीं तो फ़ोन से बात कर लेते यार। हे ईश्वर ऐसा क्यों करता है तू, समझ में, ईश्वर की माया कोई नहीं समझ सकता यार कि क्यों करता है। इसलिए मैं कुछ भी, 2 दिन मेरा मन बहुत अशांत था, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बार बार वो उसी का चेहरा मेरे आँख के सामने आ रहा था। हम लोग ग्रुप में रहते थे, इंटरवल होता था, आपको कुछ पल इंजॉय के बताते हैं। हम जब हमारा इंटरवल होता था तो हम सब सहेलियां मिल करके इकट्ठे हो जाते थे ग्राउंड में, और मतलब सबकी बारी होती थी, आज वो ये चीज़ खिलाएगी, कल उसकी बारी है, कल उसकी बारी है, ऐसे हम लोग खाते थे। और हमारे यहाँ कैंटीन थी हमारे लोग के स्कूल में, तो समोसा गरम गरम दमालू वो समोसा मिला करता था, तो हम लोग आज के दिन हम खिलाएंगे, कल के दिन वो खिलाएगी, कल के दिन वो खिलाएगी, ऐसे ग्रुप वाइज हम लोग पारी पारा सब लोग खाते थे जो है। बहुत इंजॉय किया है यार, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। और अपनी सहेली के सभी लोग, हम लोग इलाहाबाद जो मन कामेश्वर मंदिर है वहाँ सभी लोग ग्रुप वाइज हम लोग मन कामेश्वर मंदिर गए थे, वहाँ दर्शन किया, दर्शन करने के बाद सरस्वती पार्क घूमे, टहलते घूमते फिर हम लोग आए थे अपने कॉलेज जो है। सभी लोग इंजॉय, उसकी तो एक एक फ़ोटो, एक एक सब
छोटे छोटे पल रखे हैं यार यादगार के रूप में। आज हमारे एक ग्रुप का एक साथी चला गया ना, बहुत तकलीफ होती है सच में। हमारे हस्बैंड से भी बहुत क्लोज थी वो, क्योंकि जहाँ वो उसका मायका था मेरे हस्बैंड वहीं उसी जगह मतलब रहते थे, ये पढ़ाई करते थे, अपना तैयारी करते थे। तो मेरे हस्बैंड से भी क्लोज थी, बातें बातें होती रहती थी उसकी जो है। ठीक है यार, मैंने उनके बेटे से बोला, मैंने कहा बेटा खूब अच्छे से रहना और अपने मम्मा का नाम रोशन करना। और मैं क्या कह सकती थी, और तो मेरे पास कोई लफ्ज़ है ही नहीं कहने के लिए उसके। क्या कहती, मैं कुछ नहीं कह सकती। ज़िंदगी क्या किस मोड़ पर लाती है ना, कोई नहीं जानता। कब किसको क्या हो जाए कोई नहीं जान सकता। और अभी उसकी 25वीं शादी की सालगिरह आने वाली थी, अभी हम 1.5-2 महीने पहले हम लोगों की बात हुई थी, तो बोल रही थी कि सीमा तुमको हमारी 25वीं शादी की सालगिरह में आना होगा, कोई बहाना तुम्हारा नहीं चलेगा, तुमको आना होगा। हमने कहा हाँ नहीं यार आएंगे, तुम न्योता नहीं भी दोगी ना तो भी फिर हम पूछते पूछते चले आएंगे। देखिए उसका अपना सोचा नहीं हुआ और भगवान ने उसे पहले ही ले लिया, पहले ही बुला लिया यार। बहुत बेइंसाफी करता है भगवान सच में, बहुत ज़्यादा करता है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अभी हमारी और भी ग्रुप की सहेलियां हैं, अगर उनको भी मालूम हुआ होगा तो वो भी बहुत दुखित होंगी, बहुत रोएंगी, क्योंकि हम सब ग्रुप वाइज सभी सहेलियां साथ में रहते थे। और ये जो मेरी सहेली ख़त्म हुई है इसका नाम छाया था, बेटियां नहीं थी, दो बेटे थे उसके, बेटे बड़े थे, जिम्मेदारी थी, उसके हस्बैंड की दुकान थी, टीवी फ्रिज कूलर मतलब सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान थी, तो बच्चे उसी में सेट रहते थे, उसी में रहते थे। अभी जाऊंगी मैं, बीच में मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी, मैंने कहा एक दिन आप छुट्टी ले लीजिएगा तो चलेंगे, जाएंगे घूम आएंगे, आंटी अंकल से मिलाएंगे जो। चलिए ठीक है यार, मन तो बहुत दुखित हो जाता है जब याद करते हैं ना, तो मन बहुत दुखित हो जाता है, इसलिए हमने फ़ोटो भी अपने यूट्यूब चैनल में डाल के रख दिया है, संजो के रख दिया है कि उसकी पड़ी रहेंगी यादें जो है। ज़िंदगी में है क्या यार, अपनी ज़िम्मेदारी निभा दो, उसके बाद यही हंसी के पल हैं जो हम अच्छे से बिता लेते हैं ना, वही हमारे साथ जाते हैं, बाकी कुछ जाता नहीं है हमारे साथ, कुछ भी नहीं जाता है। सारा धन दौलत सारा प्रॉपर्टी सब कुछ यहीं रह जाता है, कोई साथ नहीं जाता, अकेले हम आए हैं और अकेले ही जाएंगे। साथ निभाने वाले इस एक प्रकार की ये हमारी रामलीला है, जैसे रामलीला में सारे अपने अपने किरदार निभाते हैं ना, उसी तरह हम अपने किरदार निभा रहे हैं। बस इतना कोशिश करिए कि अच्छे किरदार निभाएं ताकि अच्छे से भगवान हमें ले जाए। जो अच्छे कर्म करे रहता है वो अच्छे से जाता है, जो बुरे कर्म करता है वो घिस घिस के जाता है, ये सत्य बात है बिल्कुल। इसलिए ना कभी किसी को दुख दो, ना किसी को अपने मुख से कुछ बोलो उठपटांग। चलिए ठीक है, रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ये छोटी सी वीडियो थी जो मैंने थोड़ा सा शेयर किया है अपनी भावनाओं को और अपने कुछ सहेली के साथ बिताए हुए पल को। बहुत सी यादें हैं यार, कहाँ तक कहूँ मैं, बहुत यादें हैं। अभी तो नहीं जाना चाहिए था उसको छोड़ करके, अभी उसके जाने के दिन नहीं थे ना समय था यार। भगवान ने बहुत बड़ी बेइंसाफी की है, बहुत बड़ी बेइंसाफी की है, किसी को ये दिन ना दिखाए। जाना तो है सबको, लेकिन जिम्मेदारी निभा करके जाए, अधूरे में ना जाए। आज उसके बच्चे किसके सहारे रहेंगे, माँ चली गई, अभी ना शादी ना ब्याह, कुछ भी नहीं किया यार उसने। हे प्रभु, चलिए ठीक है, रखते हैं, बाय।